न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। विधान परिषद की चार सीटों के लिए मतदान 26 जून को। भाजपा सरकार में इलाहाबाद का महत्व घट रहा। प्रधानमंत्री ने भाषणों से पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। विधान परिषद की चार सीटों के लिए मतदान 26 जून को। केंद्रीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को विधान परिषद चुनाव का संशोधित कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसके मुताबिक शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 26 जून को वोट डाले जाएंगे, जबकि 1 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी। लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद राज्य के अधिकतर शिक्षक ग्रीष्म अवकाश के चलते अपने गांव की ओर चल दिए थे। इस कारण शिक्षक संगठनों ने ये चुनाव स्थगित करने की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया। राज्य में जब लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी थी, तभी चुनाव आयोग ने 8 मई को विधान परिषद के चार निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात मुंबई और कोंकण और मुंबई और नासिक के लिए चुनाव की घोषणा की थी। पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार इन चार निर्वाचन क्षेत्रों में 10 जून को मतदान होना था, जबकि वोटों की गिनती 13 जून को होनी थी। क्योंकि राज्य के स्कूलों में 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां हैं, इसलिए शिक्षक अपने अपने गांव चल दिए थे। इस कारण वे वोट नहीं कर सकते थे। इसे देखते हुए आयोग ने चुनाव स्थगित करने का अनुरोध किया। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा सरकार में इलाहाबाद का महत्व घट रहा। लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह ने कहा कि भाजपा डबल इंजन सरकार के फायदे की बात तो करती है, लेकिन हकीकत में काम नहीं करती है। उसके सरकार में इलाहाबाद का महत्व लगातार कम हो रहा। विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे सिंह ने यहां चुनाव प्रचार अभियान के दौरान लोगों से कहा कि आखिर किसान क्या चाहते हैं। बिजली, ट्यूबवेल और लिफ्ट नहर, ताकि उन्हें अपने खेतों के लिए पानी मिल सके। भाजपा डबल इंजन सरकार की डिंग हांकती है, हकीकत में कुछ नहीं करती, उन्होंने इलाहाबादी अंदाज में कहा। भाजपा के लोगों की नीति और नियत साफ नहीं, बात सिंह ने कहा। स्थानीय सांसद, राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री सभी भाजपा से हैं, इसके बावजूद यह पार्टी लोगों का कल्याण नहीं कर सकी। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने भाषणों से पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। रकांपा के प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि इस चुनाव में विपक्ष के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण चिंता का विषय है। उन्होंने महाराष्ट्र में पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे इलाकों में राहत कार्य तेज करने की, निर्वाचन आयोग से आदर्श आचार संहिता में ढील देने की भाजपा नीत महायुति सरकार की अपील का स्वागत किया। पवार ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री का पद एक संस्था है, मोदी एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर आसीन है, लेकिन चुनावी रैलियों में वह क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को लेकर पूछे गए एक सवाल पर 83 वर्षीय राजनेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।